हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी टाइप का ग्राफिक का काम करते हो, तब ग्राफिक का काम करते हो बहुत सारे PNG की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हो और PNG डाउनलोड करते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बहुत सारा इमेज कॉपीराइट होता है। तो अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से और उस PNG को इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें आपको हर टाइप का PNG मिलेगा, वो भी टोटली फ्री में। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माई चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप का ट्रांसपेरेंट PNG चाहिए तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ बेहतरीन वेबसाइट है जो मैंने आपके खास आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखो, ये सबसे पहला है PNG एक, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी सर्च करते हो तो देखो, यहाँ पे मैं फूड टाइप करता हूँ, तो जैसे मैं फूड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो, आप देख सकते हैं बहुत सारा PNG इमेज आ गया और टोटली ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप इसको बहुत आसानी से फोटोशॉप को रोल में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये वाला इमेज अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो, आप देख सकते हैं इसको अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये आप नॉन कमर्शियल है, मतलब आप इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अगर ये चाहिए तो इसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इसको अगर समझो आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके ये देखो डाउनलोड का लिंक है, आपको क्या करना है इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके सामने कि एक मतलब एक एडवर्टाइज आएगा, तो आपको क्या करना है इसको क्लोज़ करना है। और क्लोज़ करने के बाद देखो, आई एम ह्यूमन करके लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस टाइप से आपके पास ही आएगा। तो आपको देखो, यहाँ पर जैसे लिखा है आपको वैसे क्लिक करना है। तो देखो, सबसे पहले क्लिक करना है यू पे, W A और वो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो, ये इमेज अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इमेज डाउनलोड हो गया। देखो, ये आप कमर्शियली इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको आपके पर्सनल प्रोजेक्ट में बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये वेबसाइट पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेगा जिसका आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये हुआ पहला वेबसाइट। तो अभी आपको मैं बता दूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आपको इस वेबसाइट के ऊपर और कुछ चाहिए तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, टोटली ट्रांसपेरेंट है, आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, बहुत ईजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया पहला वेबसाइट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अभी मैं आपको बताऊँगा दूसरा वेबसाइट। देखो, दूसरे वेबसाइट का नाम है PNGIMG.com। देखो, ये भी वेबसाइट बहुत फेमस है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें बहुत कुछ मिलेगा, आपको जो भी चाहिए इसमें मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे मुझे अब स्मोक का इमेज चाहिए, PNG चाहिए ट्रांसपेरेंट। तो मैं क्या करूँगा, स्मोक के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एक एडवर्टाइज आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नीचे आएगा। तो देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुछ जो PNG है वो कमर्शियल यूज़ के लिए आपको अगर चाहिए तो इसका परमिशन लेना पड़ेगा। देखो, ये शटरस्टॉक है, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके ये इमेज बाय करोगे तो आप इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी इमेज हैं जो आपको टोटली फ्री है, मतलब इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, ये वाला इमेज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे डाउनलोड करके जो लिखा है, नहीं देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं देखो यहाँ इमेज आ गया, ये टोटली फ्री है, मतलब आपको इसमें कोई भी क्लेम नहीं आएगा किसी भी टाइप का। तो आपको क्या करना है, अगर इसको आपको यूज़ करना है तो देखो, यहाँ पे क्लिक क्लियर कट लिखा है, क्लिक करके आपको सेव करना है। तो मैं देखो ये इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पर मैं जाके इसको सेव एज करता हूँ, तो देखो ये सेव हो जाएगा। तो देखो, आप देख सकते हैं कि ये इमेज सेव हो गया। देखो, अभी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दूँ, देखो आप देख सकते हैं ये भी बहुत इजीली आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि ये वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा, ए से लेके जेड तक आप देख सकते हैं। देखो, इसमें बहुत कुछ एनिमल है, नेचर है, फ्रूट एंड नट्स है, और यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक है, वेजिटेबल है। आपको जो भी PNG की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से बहुत ईजीली जाके
आप ले सकते हो। लेने के बाद देखो यहाँ पे फ्लावर है, क्लोथ है, ऑब्जेक्ट है, आप इस वेबसाइट पे अनलिमिटेड है, आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें टोटली फ्री भी है और पेड वाले भी हैं, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। तो देखो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर देखो यहाँ पे मैं जाके लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जैसे लोगों के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखो लोगों का बहुत सारा वेबसाइट आ गया। तो देखो यहाँ पे भी आप ये देखो ऊपर शटर स्टॉक है, तो ये पेड वाले हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। और अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो आप देख सकते हैं, देखो अगर मुझे ये वाला इमेज अच्छा लगता है किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद अगर मुझे ये चाहिए लोगो तो देखो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद इसको मैं सेव एज करके जैसे ही सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका अपना हो गया दूसरा साइट। अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा साइट। तो तीसरे वाली साइट पे आपको जाना है। देखो इसका नाम है प्योर पीएनजी, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च करना है। तो देखो यहाँ पे मैं कैट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा पीएनजी कैट आ गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भी ये भी बहुत इजी टू यूज़ है और ये आप पर्सनल कमर्शियल यूज़ दोनों के लिए कर सकते हो। तो देखो ये कैट मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या करता हूँ ये कैट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको देखो ये कैट अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जाने के बाद इसको डाउनलोड करना है। तो देखो डाउनलोड करने के लिए देखो ये डाउनलोड का लिंक यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाला कैट अच्छा लगता है और आपको ये चाहिए पीएनजी इमेज तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके देखो ये तीन साइज़ में आपको अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आपको जो भी साइज़ में चाहिए आपको वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये साइनअप करने के लिए बोलेगा। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आपको यहाँ पे साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल है, तो जैसे आप इस पर रजिस्टर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए भी। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट के ऊपर बहुत कुछ ले सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ है, लोगो वगैरह, इमेजेस बहुत हैं, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद वाला जो वेबसाइट है देखो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेबसाइट है और 101 गारंटेड कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करोगे तो आपको सब कुछ मिल गया, आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जैसे अभी मैं यहाँ पर जाके वुमन सर्च करता हूँ और वुमन सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद विक्टर ग्राफिक करके लिखना है, क्लिक करना है ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं देखो बहुत सारा इमेज आ गया और जिसका बैकग्राउंड टोटली ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसको बहुत आसानी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो अगर देखो मुझे देखो ये वाला इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला इमेज पे जाऊँगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए टोटली फ्री है, तो आपको क्या करना है इसको यहाँ पे डाके डाउनलोड के ऊपर करना। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हैं पीएनजी। तो देखो ये थोड़ा लो क्वालिटी का है और ये थोड़ा हाई क्वालिटी का, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्वालिटी उसका कौन सा चाहिए, लो वाला चाहिए कि हाई वाला चाहिए। तो जैसे आप ये वाले इमेज मतलब क्वालिटी पर जाके इसको डाउनलोड करोगे तो आप देख सकते हैं ये देखो ये डाउनलोड हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो आप देख सकते हैं कि हो गया। इसको भी आप बहुत आसानी से कहीं पे भी लगा सकते हो, आपको कभी भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। तो ये देखो ये तो हो गया पहला। अभी मैं आपको इसमें बहुत कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाके जैसे बॉय बेबी डाल के जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो बहुत सारा बेबी का भी फ़ोटो आ गया। आपको अगर किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो आप इस वेबसाइट पे जाके बहुत आसानी से ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं जाके देखो ये वाला मुझे इमेज अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगा देखो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टोटली फ्री है कमर्शियल यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए भी। तो आपको क्या करना है, अगर समझो ये इमेज आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, फ्री डाउनलोड के ऊपर जाना है और आपको जो भी यहाँ पे साइज चाहिए उसके ऊपर आपको डिपेंड मतलब क्लिक करना है। तो देखो मुझे हाई क्वालिटी में चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही इमेज है।
तो ये साइट बहुत ही बेहतरीन है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा करके इसी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेबसाइट है और ट्रस्टेड भी वेबसाइट है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ लास्ट वाला, देखो ये वाला PNG ऑल करके, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको यहाँ पर जाके समझो मुझे कार्स का PNG चाहिए, तो मैं जाके यहाँ पे कार सर्च करूँगा और जैसे मैं कार के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे बहुत सारा कार आ जाएगा। तो देखो अगर मुझे देखो ये वाला कार अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगा, देखो ये वाले कार के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद एक एडवर्टाइज आएगा, तो आपको क्या करना है इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, तो आपको क्या करना है इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आप इमेज इस्तेमाल करोगे इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, और क्रेडिट देने के बाद आपने ये इमेज जहाँ से भी लिया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना पड़ेगा, अब आपको कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं ये इमेज चाहिए तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है और नीचे एट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, और ये वाला लिंक और ये दोनों आपको आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैं डाउनलोड PNG के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये PNG डाउनलोड हो गया, तो आप देख सकते हैं, तो देखो आप देख सकते हैं, देखो इसका क्लियरिटी आप देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी का है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप किसी भी PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5 बेहतरीन वेबसाइट है जिससे आपको अगर प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करते हो तो किसी भी टाइप का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपको फुल HD में ट्रांसपेरेंट और PNG इमेज मिल जाएगा जिसको आप बहुत आसानी से कमर्शियल और पर्सनल यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।